बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मरियम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा पीछे के बैकग्राउंड से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, तो आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर पक्का किला हैदराबाद में। तो ये हम पक्का किला की जो मार्केट है आपके साथ आज इसकी वीडियो शेयर करेंगे। हमें कुछ चीज़ें परचेस करनी थी और हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, तो आगे चल के वीडियो आप इंजॉय कीजिएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ डू इंजॉय और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती चलूँ, जो लोग यहाँ से नहीं हैं, सिंध से बाहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनको बता दूं कि पक्का किला ये बहुत पुरानी और बहुत कदीम बाज़ार है। ये जो पक्का किला था यहाँ पर तामीर करवाया था ग़ुलाम शाह कलोड़ों ने, जो सिंध के पुराने हुक्मरान हैं, हुक्मरान रह चुके हैं, और उन्होंने ही यहाँ पर तामीर करवाया था। उनके दरबार के सामने के जो मेन डोर था वहाँ पर लोग मक्खन, दूध, लोहा, तांबा, ये चीज़ें, बर्तन, कपड़े वगैरह बेचने आते थे। तो जो किले के मौजज़ीन थे वो दरवाज़े के सामने ही वहाँ से चीज़ें ख़रीदो फरोख्त किया करते थे। तो इस तरह से वो, जिससे उस चीज़ को बहुत अरसा गुजर चुका है, तो आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ पर एक तामीर किया गया बाज़ार, जिसको शाही बाज़ार का नाम दिया गया। और जब किला वहाँ से ख़त्म हुआ एक बारूदी धमाके के नतीजे में, वहाँ से मौजज़ीन जो थे वो शिफ्ट हो गए थे निकल के अलग अलग जगहों पर। तो इस तरह से फिर ये बाज़ार फैलता गया। जो लोहार थे वो कहीं जाके बस गए, कहीं बुनाई वाले, कहीं लकड़ी वाले, कहीं घोड़े के नाल बनाते थे। तो इस तरह से बहुत तवील हिस्ट्री है इसकी, तो वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको उस हिस्ट्री के जो निशानात हैं वो अभी भी यहाँ पर मिलेंगे। तो ये जो पक्का किला की मार्केट है, यहाँ पर देखिए चारपाइयाँ भी बनाई जाती हैं, पिंजरे बन रहे हैं, और लोहे की, तांबे की चीज़ें, बर्तन, पेतियाँ, जो शादी ब्याह में ज़िंदगी कल्चर है, बिस्तर वगैरह देते हैं, तो वो चीज़ें रखने के लिए बड़ी सी पेतियाँ दी जाती हैं जहेज़ में लड़कियों को। और लकड़ी का ये देखें, बहुत बड़ा यहाँ पर शॉप्स हैं
बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपको यहाँ पर बहुत बड़ी रेंज में आपको चीज़ें मिलेंगी। और ये है मंदहानी जो कि मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए थी, जिसके लिए हमने हाला भी कांटेक्ट किया था, मगर हाला की मेरी दो तीन शॉप्स हैं जिनके नंबर हैं मेरे पास व्लॉगिंग के हवाले से, तो उन्होंने हमें रेकमेंड किया था कि पक्का किला से आप लीजिए। तो फिर हम लोग इसी चीज़ के लिए और दो तीन और भी चीज़ें थी जो मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए थी, क्योंकि मेरी नेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है अपने चैनल पर सिंधी कल्चर के ऊपर, तो मैं रिवील कर रही हूँ वे, तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी जिसके लिए हमारा जाना हुआ। और हमने दो तीन व्लॉग्स यहाँ पर बनाए हैं। और उसके अलावा आपको कौन कौन सी वीडियोस देखनी है हैदराबाद के कौन से पार्ट्स पर, तो आप मुझे बोल सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में, तो मैं उस जगह पर वीडियो बनाऊँगी। और उसके अलावा जितनी भी मुमकिन थी इस वीडियो में मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। ये देखिए यहाँ पर लोहार की जो शॉप्स हैं ये बहुत पुरानी शॉप्स हैं, और जैसे कि वो हिस्ट्री की मैंने बात की तो वो तो उससे भी पहले की शॉप्स हैं, मगर ये जो यहाँ पर शाही बाज़ार है इसकी 36 गलियाँ हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, और जो पक्का किला है उसके भी शॉप्स हैं और उनके भी इलाके हैं और उसकी एक हिस्ट्री है, वो मैं कभी डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी ये देखिए आपको ये दीवार नज़र आ रही होगी, ये कदीम दीवार दो घरों के बीच में जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही थी ये सारा पक्का किला है, और ये उसके ऊपर बातें बन गई हैं। उसकी दूसरी तरफ से जो पक्का किला है वो थोड़ा सा, जैसे कि आजकल पाकिस्तान के हालात हैं तो बींग ए लेडी मुमकिन नहीं है कि मैं किले के अंदर जाके वीडियो बनाऊं, मगर कोशिश करेंगे कभी कि अगर साल एक साल में हम लोग इस पे कोशिश करें तो पक्के किले की अंदर से भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो यह है ग़ुलाम शाह कलोड़ों का पक्का किला और उसकी मार्केट, और यहाँ पर हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो एक छोटी सी काविश थी आप लोगों के साथ शेयर किया, बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हैदराबाद की जो मशहूर जगहें हैं उन पे वीडियो बनाइए। तो ये पक्का किला है, यहाँ पर आपको हर जो हार्डवेयर का सारा सामान है, अलमारियाँ वगैरह और ये सारी चीज़ें लकड़ी का और हार्डवेयर का घरू इस्तेमाल की हर चीज़ आपको मिल जाएंगी, जंजीर मवेशियों की सजावट के सामान और आई थिंक कुछ अगर भूल रही हूँ तो वो भी आपको यहीं से मिल जाएगा, और स्पेयर पार्ट्स भी मिलते हैं चीज़ों के, और फिर सब्जियाँ भी हैं, और यहीं से फिर कनेक्ट हो जाता है शाही बाज़ार और उसके आगे है फ़कीर का पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो की एंड करूँगी, इससे पहले रेशम गली और शाही बाज़ार और फ़कीर का पेड़ मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, और नेक्स्ट मेरा जो यहाँ का हैदराबाद का व्लॉग होगा वो हम हाजी रबड़ी पे बनाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड और मेरे प्रोजेक्ट के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। सो अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें।